स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट देखते हैं। 0.5p माइनस 0.5q होल स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर यहां पर हम लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। सो हमने पढ़ा हुआ है a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है बच्चों, वो होता है क्या, a का स्क्वायर। a को ब्रैकेट में लिखो, स्क्वायर लगा दो, माइनस 2 इंटू a इंटू बी और प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि b को ब्रैकेट में लिख के स्क्वायर लगा देंगे, करेक्ट। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह 0.4p, 0.4p माइनस बी की जगह 0.5q और ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे, ठीक। नाउ आप देख सकते हो ए की जगह कितना आ रहा है, 0.4p, ठीक है। सो जहां जहां ए आएगा मैं आपको कहीं साइड में लिख दूं, ए की जगह हम लोग क्या रखेंगे बच्चों, 0.4 इंटू पी, यानी कि 0.4p। और आप क्लियरली देख रहे होगे बच्चों बी की जगह हम कितना रखेंगे, 0.5q, ओके। सो बी इज इक्वल्स टू 0.5q, ठीक है। नाउ सो देखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, a की जगह 0.4p, यानी कि 0.4p होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, यानी कि 2 इंटू a, a की जगह 0.4p, ओके, 0.4p इंटू b की जगह 0.5q, 0.5q और प्लस b का स्क्वायर, b या क्या रखेंगे हम, 0.5q, और ध्यान रखें b के ऊपर स्क्वायर लगा है, सो स्क्वायर लगा देंगे। यार बच्चों थोड़ा सा छुप रहा होगा लेकिन आप ध्यान दें, 0.5q के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, ओके। नाउ आइए इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान देंगे स्टूडेंट, 0.4p का स्क्वायर, इसका क्या मतलब है पता है, 0.4p का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि 0.4p को, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा उसको 2 times मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 0.4p इंटू 0.4p। सो 0.4 इंटू 0.4 0.16 हो जाएगा, ठीक है भाई, 4 4 जा 16, और पीछे से 1 digit और 2 digit छोड़ के डेसिमल, सो पीछे से 2 digit छोड़ के डेसिमल, ठीक है, 0.16 और p इंटू q, pq ये लीजिए। अगर आप चाहते तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, कैसे, ये स्क्वायर 0.4 को मिलेगा, 0.4 का स्क्वायर 0.16 इंटू ये स्क्वायर p को भी मिलेगा, अच्छा आई एम वेरी सॉरी एक मेरे से गलती होगी, p इंटू पी बच्चों कितना हो जाएगा, p स्क्वायर, है ना, q तो है ही नहीं है, p इंटू पी स्क्वायर, ओके। सो ये जो स्क्वायर है 0.4 को मिलेगा, 0.4 का स्क्वायर 0.16 और ये स्क्वायर p को मिलेगा, p का स्क्वायर क्या होता है, p स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, 0.16p स्क्वायर, करेक्ट। सो 0.4p स्क्वायर का मतलब 0.16p स्क्वायर। नाउ बच्चों ध्यान दें, ये आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 into 0.4 into 0.5, है ना। सो इसको हम आपको करके दिखाते हैं, देखिए माइनस, मैं आप नंबर से ऐसे लिख देता हूँ, 2 into 0.4 into 0.5 और p into q, pq, ठीक, और प्लस ये कॉपी करिए, इधर का कॉपी करिए, कर लिया, चलो जीरो पॉइंट फाइव क्यू का होल स्क्वायर, इसका मतलब है 0.5q इंटू 0.5q, सो 0.5 इंटू 0.5 कितना होता है, 0.25, है ना, कैसे भाई, 5 5 सा कितना होगा, 25, और पीछे से 2 digit छोड़ के डेसिमल लगेगा और यहाँ 0 बढ़ा देंगे, ठीक, अपने मन से 0.25 और q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर, ये लीजिए। अगर आप इसको चाहते डायरेक्टली कर सकते थे, ये स्क्वायर 0.5 को मिलेगा, 0.5 का स्क्वायर मतलब 0.5 इंटू 0.5 0.25 और ये स्क्वायर q को मिलेगा, सो q का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास कितना, 0.5 q का होल स्क्वायर 0.25 q स्क्वायर, ओके। ऐसा अब देखो इसको मल्टीप्लाई करने का एक ईजी तरीका है, मैं आपको बताऊं, देखो ये जो लिखा है ना नंबर 2 into 0.4 into 0.5, इसको मल्टीप्लाई करने का एक ईजी तरीका है, करने को आप कैसे भी कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ, 2 into 0.4 into 0.5 लिखा है ना, सो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 2 into 0.5 into 0.4, भाई 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, है ना, और 0.4 लास्ट में लिख दो, ऑर्डर मैटर नहीं करता है मल्टीप्लीकेशन में, तो 2 into 0.5 into 0.4 आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ओके। नाउ 2 5 का क्या होता है, 10 होता है, और पीछे से 1 digit छोड़ के डेसिमल, यानी कि 1.0 आ जाएगा, 2 into 0.5 1.0 into 0.4। अब सुनो बच्चों 1.0 का क्या मतलब होता है, 1.0 का क्या मतलब होता है, 1 सभी बच्चों को पता है, 1.0 का मतलब 1 ही होता है, ओके।
सो 1.0 को हमने 1 लिखा, इनटू में 0.4, अब आप देख सकते हो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आ जाएगा, सो 1 इनटू 0.4 आंसर क्या आ गया 0.4, यानी कि इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है 0.4 है, ओके। सो 0.16 पी स्क्वायर माइनस इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया 0.4 आ गया, पी इंटू क्यू पी क्यू और प्लस 0.25 क्यू स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। अब ध्यान दें, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम ऐसे करना चाहते हैं 2 into 0.4 into 0.5, आप ऐसे भी कर लो, मैं करके दिखा देता हूं आपको। देखो क्या लिखा है, 2 into 0.4 into 0.5, सो 2 into 0.4 0.8 हो जाएगा, भाई 2 4 8 और पीछे से एक डेसिमल एक प्लेस छोड़ के डेसिमल, तो 0.8 into 0.5। अब देखो जरा ध्यान दें प्लीज, 8 5 का कितना होता है 40 और पीछे से 1 डिजिट छोड़ के 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो 0.40 और 0.40 का मतलब 0.4 ही होता है, क्योंकि डेसिमल के बाद कोई नंबर हो लास्ट में 0, तो ये 0 हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, सो 0.4 आ गया, यहाँ से भी 0.4 आ रहा था। सो योर फाइनल आंसर इज 0.16 पी स्क्वायर माइनस 0.4 पी क्यू प्लस 0.25 क्यू स्क्वायर, ओके। सो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। अच्छा स्टूडेंट्स देखिए, इसमें जो आंसर आ रहा है एनसीईआरटी जो मेरे पास है, मुझे नहीं पता कि करेक्टेड वाली एनसीईआरटी आपके पास मतलब न्यू वर्जन होगा, मेरे पास तो काफ़ी पुरानी बुक है, तो उसमें जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.16 पी स्क्वायर और प्लस 0.04 पी क्यू, ओके, और प्लस 0.25 क्यू स्क्वायर, तो ये आंसर आ रहा है जो कि गलती से मिसप्रिंट है, ये आंसर ऐसा नहीं आएगा, प्लस तो आ ही नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ तो माइनस 2 ए भी होना चाहिए ना, माइनस में तो आना ही चाहिए ना। सो ये आंसर बच्चों आपका रॉन्ग है, वो गलती से मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक है, या न्यू बुक में करेक्टेड होगा। सो योर आंसर इज 0.16 पी स्क्वायर माइनस 0.4 पी क्यू प्लस 0.25 क्यू स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ओके। अगर क्वेश्चन ऐसा है 0.4 पी माइनस 0.5 क्यू होल स्क्वायर, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज नोट कर लीजिए।